सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 106 वचन 3 से। भजन संहिता अध्याय 106 वचन 3 से आइए देखते हैं। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते हैं और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा अपनी प्रजा पर, हे यहोवा अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है कि क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे लोग जो पर न्याय पर चलते हैं और हर समय धर्म के काम करते हैं। परमेश्वर की वचन कहती है कि वे लोग परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है जो न्याय पर चलते हैं, जो न्याय के काम में मन लगाते हैं और हर वक्त वह धर्म का काम करते परंतु अधर्म का काम नहीं करते। वचन कहती है, हे यहोवा अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, क्योंकि परमेश्वर का जो दास दाऊद है वो परमेश्वर से विनती करते हुए कह रहा है, हे परमेश्वर अपने प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर। कहता है कि हे परमेश्वर अपने प्रजा के ऊपर जो तू प्रसन्नचित होता है, जो अपने प्रजा के ऊपर प्रसन्न होता है तो उसी प्रसन्नता के अनुसार ही मुझे स्मरण कर, मुझे भी याद कर। वही प्रसन्नता, अपने प्रजा वाली प्रसन्नता मेरे ऊपर प्रकट करके मुझे याद कर प्रभु। हे प्रभु मुझे भी याद कर। और वचन कहती है, मेरे उद्धार के लिए मेरी स्तुति ले ले और हे परमेश्वर मेरी यानी अपनी प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर और मेरी उद्धार के लिए मेरी स्तुति ले, मेरी विनती को सुन और मुझ पे तरस खा और मेरा उद्धार कर। कहता है कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं। कहता मैं इसलिए ऐसा कहता हूं कि जितने तेरे चुने हुए लोग हैं जो उनके ऊपर तू कल्याण और उद्धार को बरसाने वाला है, प्रकट करने वाला है, हे प्रभु तू मेरे ऊपर भी अपनी दृष्टि डाल, मेरी शुद्धि ले कि मैं उनके कल्याण को देखने पाऊं। कहता है कि और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और हे प्रभु जितने तेरे प्रजा के लोग आनंदित होते हैं मैं भी उनके आनंद में सहभागी होकर आनंदित हूं और तेरे निज भाग के संग बढ़ाई करने पाऊं। जितने तेरे लोग हैं जिनको तू अपना कहता है मैं उनके बीच में शामिल होकर मैं भी उनके साथ तेरी बढ़ाई करने पाऊं। हमने तो कहा, वह परमेश्वर का दास कह रहा है कि हे परमेश्वर अरे हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है, जैसे हमारे पुरखे पाप करते आए वैसे ही हमने भी पाप किया। अरे हमने तो उनके समान कुटिलता के काम किए और दुष्टता के भी काम किए हैं। हे परमेश्वर हमने जीवन भर कुटिलता और दुष्टता के काम किया। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया,
क्योंकि मिस्र के अंदर भी हमारे जितने पुरखे थे उसने तेरे आश्चर्य कामों पे कभी मन नहीं लगाया, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने तेरे आश्चर्य कर्मों पे ध्यान नहीं दिया और ना ही तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा, ना ही तेरी अपार करुणा को उन लोगों ने याद रखा, उन लोगों ने नजरअंदाज किया, वे तेरी करुणा को जान नहीं पाए, ना ही जानने के लिए वो कोशिश किए, क्योंकि हमारे पुरखे जो थे तू उनके बीच में बड़े से बड़े अद्भुत काम किया लेकिन उन्होंने मन नहीं लगाया। ठीक उसी प्रकार हम भी जीवन भर कुटिलता के काम, दुष्टता के काम करते हुए आए हैं, इसलिए हे प्रभु हम पे अपनी भारी करुणा डाल और करुणा के अनुसार अपने निज भाग के संग हमें भी रख ले, अपने प्रजा के लोगों के बीच में हमें भी रख ले, ताकि हम भी उद्धार पाए, इसलिए हमारी शुद्धि रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास परमेश्वर से विनती कर रहा है कि कुछ प्रकार मेरे प्रियो आप भी उस परमेश्वर के सामने परमेश्वर को धन्य कहिए, उससे विनती करिए, गिड़गिड़ाइए कि प्रभु हम पे भी तरस खा ताकि हम तेरे राज्य के वारिस होने पाए। अपने गुनाहों को याद करके माफी मांगते हुए उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए, उसकी बड़ाई करिए और उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए उससे प्रार्थना कीजिए, जरूर है कि वो परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, जरूर है कि प्रभु आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद महिमा करता आदर महिमा तुझे देते पिता, प्रार्थना करता तो सच्चा है तू राजाओं का राजा गम्मा विनाशी विराट परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता अपनी महिमा की आशीष स्वर्ग से बरसा ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर हर एक के जीवन में तेरे स्वर्ग की आशीष बरसे, ताकि हे परमेश्वर जितने अपने 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 जीवन में निराश और उदास से प्रभु उनकी निराशा उनकी उदासी बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता इनके रोजी रोजगार काम धाम बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, जो हे परमेश्वर रोजगार की तलाश में उन्हें रोजगार देकर आशीष दे, जो नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता के परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि जो गरीबी के श्राप में हो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में है कर्ज आधा हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, इनके कोई इनके साथ कोई भी प्रकार के दुख तकलीफ समस्या विपत्ति बीमारी कलेश पत्र कोई दुर्घटना ना होने पाए, हर प्रकार की बला और दुर्घटनाओं से इन्हें बचा, और इन आज पूरे दिन ये जहां भी रहे इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह ना होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, अपने स्वर्ग दूतों को भेज कर इनकी मदद की सहायता करके स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा कर दे पाए। ओ परमेश्वर, जैसा आपने वचन में कहा कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास के पेट से कर दे पेड़ भी बात मान लेगा, परमेश्वर राई के दाने के बराबर के विश्वास को बढ़ाने के लिए इनके इनको भली भांति चंगा होने दे। ओ परमेश्वर, इनके शरीर में जो भी दुख तकलीफ समस्याएं बिल्कुल बाहर निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर से निकल जाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हे परमेश्वर इनके आज कोई रुका हुआ काम है तो प्रभु आज वह रुका हुआ अधूरा काम पूरा होना चालू हो जाए। ओ परमेश्वर, जिसका मकान अधूरे पे रुका हुआ है उसके मकान के ऊपर आशीष देकर उसका काम पूरा होना चालू हो जाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर इनके जीवन में चाहे जो कोई समस्या आज यीशु के नाम से चला जाए, जितने बीमार मुझे हे परमेश्वर जितने बीमार इस प्रार्थना को सुने प्रभु उनके शरीर की चाहे जो कोई बीमारियां दूर हो जाए, इनके शरीर में जुकाम हो जुकाम खांसी नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी पेचिस करना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी लहू पानी की बीमारी निकल जाए। तो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, हे परमेश्वर जिसका लीवर खराब चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब चंगी हो जाए, किडनी का प्रॉब्लम बिल्कुल दूर होने पाए, हे परमेश्वर ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, शुगर बिल्कुल नॉर्मल होने पाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, एचआईवी टीबी कैंसर जो भी है यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं
कोई भी प्रकार की गंदी आत्मा इनका शरीर छोड़ निकल जाए, गंदी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसके पास संतान न हो परम पिता परमेश्वर ने संतान दे, उसके गर्भ के बंधन खुल जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जिनके शरीर के अंदर हे परमेश्वर बाबा सिर की बीमारी हो निकल जाए, पथली हो तो पथली नष्ट हो जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसके पेट से संबंधित बीमारी है उसकी बीमारी निकल जाए, पेट की सारी बीमारियां निकल जाए, पेट में दर्द और चुभन हो तो नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते उल्टी की शिकायत बिल्कुल दूर हो जाए, जीभ मचलाहट बिल्कुल खत्म होने पाए, आंत का टूटना बंद हो जाए। ए परमेश्वर जिसका भोजन पचता नहीं यीशु के नाम से पचना चालू हो जाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, ए परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके शरीर के नसों में प्रॉब्लम दूर हो जाए, मांसपेशियों में प्रॉब्लम दूर हो जाए, कहीं कोई प्रकार की दुष्ट आत्मा निकल जाए। महान परमेश्वर अपनी महिमा के आशीष इन सबको भर, अपनी आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि सब के सब आत्मा के द्वारा चलाए भी चलने पाए, जो पूरे व्यसन में झगड़ा है वह व्यसन से छुटकारा पाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन की हर इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो जाए, तेरा साथ हर के साथ हो, तेरा हाथ हर के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।